द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग फाउंडलिंग का क्या मतलब होता है जब किसी इन्फेंट को किसी छोटे बच्चे को उसके पेरेंट्स कर देते हैं मतलब छोड़ देते हैं, और उस बच्चे का केयर कोई और करता है उसे पाल पोस के कोई और बड़ा करता है तो उसको फाउंडलिंग कहते हैं इट इज अ बिल्डिंग्स रोमन एंड पीकर एक्स बिल्डिंग्स रोमन एक जॉनरा है पिकर भी जॉनरा है तो बिल्डिंग्स रोमन में जो प्रोटेगनिस्ट होता है उसका डेवलपमेंट दिखाते हैं मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ उसका कैसे मॉरल डेवलपमेंट हुआ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ वो दिखाते हैं देन पिकरेक्स इज ऑल्सो अ जॉनरा विच द एडवेंचर्स ऑफ प्रोटेगैनिस्ट मिशीवियस प्रोटेगैनिस्ट रगिश प्रोटेगैनिस्ट मतलब जो जो हीरो है

एंड एंडस अप गेटिंग इन टू लॉट ऑफ ट्रबल बिकॉज ही लैक्स गुड जजमेंट फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर अलवदी जो बहुत ही रिच रहता है नोबल रहता है बहुत काइंड रहता है कई लोगों को वो हेल्प करता है और ये टॉम जोन्स को जब वो छोटा बच्चा रहता है तो उसे इनफॉर्मली एडॉप्ट करता है फिर है मिस ब्रिजेट अलवदी की सिस्टर फिर है कैप्टन ब्लीफिल जो ब्रिजिट से शादी करता है ताकि उसे ऑलवर्दी के प्रॉपर्टी में शेयर मिल सके फिर है मास्टर ब्लिफिल जो ब्रिजिट ऑलवर्दी और कैप्टन ब्लीफिल का बेटा रहता है फिर है मिस्टर स्क्वायर जो कि टॉम और मास्टर ब्लिफिल का ट्यूटर रहता है ट्यूशन टीचर रहता है जो अपने आप को फिलोसोफर कहता है फिर इनका एक और टीचर रहता है एक और ट्यूटर रहता है जिसका नाम होता है ट्वेकम ही इज हिपोक्रिटिकल क्लर्जी मैन हु कॉन्स्टेंटली बीट्स टॉम वेन ही इज अ चाइल्ड देन another important कैरेक्टर इज सोफिया western शी इज अ beautiful गुड एंड सेंसिबल कंट्री heiress who falls फॉल्स इन लव tom टॉम जोन्स they दे आर टीन फिर दूसरा कैरेक्टर है ब्लैक जॉर्ज जो ऑलवर्दी के यहाँ पे गेम कीपर था और बहुत गरीब था तो इसका हेल्प टॉम जोन्स हमेशा करता रहता था कभी उसे खाना देता था कभी उसे पैसे देता था और इसकी बेटी थी मॉली जिसके साथ टॉम का अफेयर था और वो प्रेगनेंट भी हो गई थी तब टॉम को लगता था कि वो उसका ही बच्चा है दैन एनअर करेक्टर इज़ सोफ़ियाज़ फादर स्क्वायर वेस्टन स्क्वायर वेस्टन कौन था सोफिया का फादर ऑलवर्दी का नेबर जो कि ये भी रिच था और वह सोफिया पर बहुत ही ज़्यादा अपना कंट्रोल रखता था फिर है मिसिस वॉटर्स अब इस कैरेक्टर को ध्यान से सुनिए नावल के शुरुआत में इसे जैनी जोन्स के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था और मिस्टर ऑलवर्दी को यह डाउट था कि जो टॉम जोन्स की मदर है वो जैनी जोन्स है फिर जब टॉम नाइन्टीन ईयर्स का होता है या फिर ट्वेंटी ईयर्स का जब वो होता है तो वो जेनी जोन से मिलता है लेकिन उस वक्त उसका जो नाम रहता है उसकी जो आइडेंटिटी रहती है एज अ अस वाटर रहता है तो ऑलवर्दी को ये डाउट था कि जो टॉम जोन्स की मदर है वो जेनी जोन्स है और जो फादर है वो मिस्टर पाट्रिज है जो कि एक स्कूल मास्टर था तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिर्फ मेजर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है बाकी जो कैरेक्टर्स हैं हम उसे के साथ समझेंगे नाउ लेट सी द समरी द नॉवेल बिगिन विद सम बैकग्राउंड एन अपस्टैंडिंग मैन इन द कम्युनिटी नेम्ड एज थॉमस स्क्वायर ऑल्वदी फाइन्स अ बेबी ऑन हिज बेड तो ये जो अलविदी है स्क्वायर अलवदी बहुत ही नोबल और रिच रहता है और अपनी एक अनमेरिड सिस्टर के साथ रहता है जिसका नाम होता है ब्रिजट तो अलवदे एक बार लंडन से कोई ट्रिप से वापस आता है अपने घर पर तो वो देखता है कि उसके बेड पर एक छोटा सा बच्चा रहता है अलवादी बच्चे के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने लगता है उसे कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि उसकी जो सर्वेंट है जेनी जोन्स और वहाँ का एक लोकल स्कूल मास्टर ये उसका बच्चा है तो वो वहाँ पे जाता है जैनी जोन्स के पास जाता है उसे पूछता है तो जैनी जोन्स एक्सेप्ट करती है कि उसका बच्चा है लेकिन वो उसके फादर का नाम रिवील करने से मना कर देती फिर अलवदी जैनी जोन्स को कुछ पैसे देता है उसको बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे बच्चे को पालूंगा और उसे कुछ पैसे देता है उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है मीन वाल ब्रिजिट की शादी उसके नेबर कैप्टन ब्लीफिल से होता है कैप्टन ब्लिफिल हमेशा से ब्रिजिट से शादी करना चाहता था क्योंकि उसे अलवदी के प्रॉपर्टी से शेयर चाहिए था ब्रिजिट और कैप्टन ब्लिफिल का एक बेटा होता है जिसका नाम ये लोग रखते हैं मास्टर ब्लिफिल टॉम जोन्स और मास्टर ब्लिफ़िल एक साथ बड़े होते हैं कैप्टन ब्लिफिल जो मास्टर ब्लिफिल का फादर है उसे टॉम जोन्स बिल्कुल नहीं पसंद था लेकिन ये सब देखने के लिए वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता यस कैप्टन ब्रिफिल का डेथ हो जाता है किसी रीज़न से फिर स्टोरी को 12 इयर्स आगे बढ़ा के बताते हैं जहाँ पे टॉम जोन्स का एज है 19 इयर्स तो टॉम जोन्स और मास्टर ब्रिफिल दोनों ही टीनेजर्स हैं और उनको पढ़ाने के लिए उनको एजुकेट करने के लिए दो ट्यूटर को हायर करते हैं मिस्टर ट्वेकनम एंड मिस्टर स्क्वायर टॉम को एकदम राउडी दिखाया गया है मतलब एकदम मिस्चीवियस दिखाया गया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो काइंड हार्टेड है और वहीं पर दूसरी तरफ ब्लीफिल जो है उसे वेल बिहेव्ड बताया गया है लेकिन वो सीक्रेटली टॉम से जेलेस रहता था और ये दो टीचर्स जो थे वो टॉम को बिल्कुल नहीं पसंद करते तो जैसा मैंने पहले बताया टॉम जोन्स बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस फिर राउडी टाइप का था लेकिन बहुत ही काइंड हार्टेड था तो इस वजह से वो अपने एक सर्वेंट ब्लैक जॉर्ज की हेल्प भी करता था उसे कभी खाना देता था कभी पैसे देता था और उसी की बेटी के साथ मौली सीग्रीम नाम की लड़की थी इसकी उसके साथ टॉम जोन्स का अफेयर भी था लेकिन टॉम का अफेयर इतना सीरियस नहीं था इनफैक्ट ही वॉज़ इन लव विथ सोफिया अब सोफिया कौन थी अलवदी के नेबर स्क्वायर वेस्टर्न की डॉटर थी सोफ़िया भी टॉम को पसंद करती थी उसे प्यार करती थी पर ये दोनों कभी एक नहीं हो पाए क्योंकि सोफिया के जो फादर थे वो अगेंस्ट थे इस रिलेशन के क्योंकि टॉम का कोई बैकग्राउंड नहीं था मतलब उसके पेरेंट्स के बारे में किसी को नहीं पता था फिर टॉम को पता चलता है कि मौली प्रेग्नेंट है तो जो सोफिया के लिए उसकी फीलिंग्स थी उसको वो हाइट करके रखता था और उसने ये डिसाइड किया कि वो मौली का हेल्प करेगा इनफैक्ट उसके जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद लेगा लेकिन फिर इसे किसी सोर्स से पता चलता है कि मौली का और भी कई लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन था किस कई लोगों के साथ उसका अफेयर था तो वो सोचता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चा उसका है अब वो अपने आप को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री करता है मौली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री करता है और वो डिसाइड करता है कि वो सोफिया को जाके अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा लेकिन यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट आता है स्क्वायर अलवदी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है बहुत ही सीरियस रहता है मरने की कंडीशन आ जाती है उसकी और वो अपने प्रॉपर्टी का विल भी बना लेता है जहाँ पे जो ज़्यादा शेयर है वो ब्लीफिल को मिलता है और थोड़ा सा शेयर टॉम को मिलता है लेकिन टॉम यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है वो सिर्फ़ ऑलवर्दी को ठीक देखना चाहता है वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर ले इसलिए वो पूरी रात उसी के पास बैठा रहता है और इसी बीच ऑलवर्दी की सिस्टर ब्रिजिट का भी न्यूज़ आता है कि उसका सडन डेथ हो गया है इस न्यूज़ के साथ एक लेटर रहता है जिसने जो ब्रिजिट ने लिखा रहता है अलवर्दी के लिए लेकिन ब्लीफिल ने वो लेटर अलवर्दी को नहीं देता सरप्राइजिंगली सरप्राइजिंगलीवर्दी एकदम ठीक हो जाता है रिकवर कर जाता है और टॉम बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे सेलिब्रेट करने के लिए वो बहुत ड्रिंक कर लेता है और मौली के पास चला जाता है उनका फिर से फिजिकल रिलेशन होता है इन दोनों को ब्लीफिल और ट्वेकम एक साथ देख लेते हैं ट्वेकम वही है जो इनका टीचर था और कुछ देर के बाद टॉम और ब्लीफिल के बीच में बहुत ज्यादा सीरियस फाइट हो जाता है अब इसके बाद एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है सोफिया की आंट मतलब कि सोफिया के फादर की सिस्टर जिस, जिसे लोग मिसेस वेस्टन के नाम से जानते हैं अब मिसेस वेस्टर्न को कुछ कंफ्यूजन होता है और वो ये कंक्लूड करती है कि सोफिया और मास्टर ब्लिफिल का अफेयर है सोफिया मास्टर ब्लिफिल को पसंद करती है और ये बात जाकर वो अपने ब्रदर स्क्वायर वेस्टन को बता देती है स्क्वायर वेस्टन ये सुन के बहुत खुश होता है क्योंकि ऑलवर्दी का जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टी है वो किसके नाम हो गया था मास्टर ब्लीफ़िल के नाम पे। तो इसलिए उसे सोफिया और मास्टर ब्लीफ़िल के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता फिर स्क्वायर वेस्टर्न ये बात जाके मास्टर ब्लीफिल को बताता है और मास्टर ब्लीफिल भी खुश होता है इस वो आइडिया उसको अच्छा लगता है लेकिन फिर जब वेस्टर्न को पता चलता है स्क्वायर वेस्टर्न को पता चलता है कि सोफ़िया उसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो उससे शादी नहीं करना चाहती तो उसे फोर्स करता है इनफैक्ट उसको एक रूम में बंद कर देता है जब तक वो अपना माइंड फिर से चेंज ना करे अब स्क्वायर वेस्टर्न को मतलब सोफ़िया के फादर को ये पता चल गया कि सोफ़िया जो है वो टॉम को पसंद करती है और टॉम भी सोफ़िया को पसंद करता है तो इस बात से वो गुस्सा होकर ऑलवर्दी के पास जाता है और टॉम के बिहेवियर को एक्सपोज करता है वो ऑलवर्दी को बताता है कि कैसे वो ड्रिंक करके ब्लीफिल के साथ फाइट करता है इनफैक्ट वो ब्लीफिल का साइड लेता है और टॉम के बारे में सब गलत इन्फॉर्मेशन ऑलवर्दी को देता है और ये सुनकर ऑलवर्दी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंट होता है टॉम के बिहेवियर को सुनकर और वो उसे घर से बाहर निकाल देता है और वहाँ दूसरी तरफ सोफ़िया भी किसी तरह मैनेज करके अपने रूम से बाहर निकलती है और अपने मेड के साथ लंदन के लिए चली जाती है जहाँ उसके रिलेटिव रहते हैं अब टॉम भी अपने घर से बाहर निकल जाता है वो कहीं जा रहा होता है और रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है पैट्रिज तो अब पैट्रिज वही स्कूल मास्टर है जिसे जिस पर ऑलवर्दी को डाउट था कि वो टॉम जोन्स का फादर है फिर पाथ्रीज टॉम जोन को सारी बात बताता है और ये बोलता है कि वो उसका फादर नहीं है हालांकि अलवर्दी को ये लगता था कि वो उसका फादर है टॉम जोन्स भी उसकी बात मान लेता है अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक साथ ट्रैवल करेंगे फिर एक पॉइंट पे टॉम जोन्स एक लेडी का हेल्प करता है उसे वो मर्डर से बचाता है जिसका नाम होता है मिसिस वॉटर्स और उसे रेस्क्यू करने के बाद ये उसके साथ भी फिजिकल रिलेशन में आ जाता है तो मिसिस वॉटर कोई और नहीं है ये जेनी जोन्स है यहाँ पे उसका नाम मिसिज वॉटर्स है अब जेनी जोन कौन है आप याद रखिए जिसे ऑलवर्दी ने टॉम जोन्स की मदर समझा था फिर वहाँ पे एक फिट्स पैट्रिक नाम का आदमी अपनी वाइफ को ढूंढ रहा होता है तो वो टॉम जोन्स और मिसिज वॉटर को एक साथ देखता है और उसको लगता है कि वो उसकी वाइफ है लेकिन जब उसको लेकिन मिसिज वाटर को क्लियरली देख के वहाँ से चला जाता है कि उसकी वाइफ नहीं है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पैट्रिज टॉम से मेंशन करता है कि एक लड़की तुम्हें ढूंढते हुए आई थी लेकिन मैंने उससे कह दिया कि तुम मिसेस वाटर के साथ ऑक्यूपाइड हो ये सुनकर टॉम को रियलाइज़ होता है कि वो सोफिया हो सकती है सोफिया ही मुझे ढूंढने आई है अब लेकिन उसे गिल्ट फील हो रहा है कि सोफिया मुझे इस तरीके से देखी होगी तो उसे बहुत बुरा लगा होगा वो मुझ पर अब कभी ट्रस्ट नहीं करेगी और सोफिया सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है और वो वहां से लंडन के लिए चली जाती है अब टॉम सोफिया को ढूंढने लगता है उसको ढूंढते ढूंढते लंडन पहुंचता है और वहां पहुंचता है जहां पर सोफिया रहती थी अपने एक रिलेटिव के घर लेडी बेलास्टन अब टॉम लेडी बेलेस्टन को भी अट्रैक्ट करता है ताकि वो सोफिया के पास रह पाए लेकिन होता ऐसा है कि लेडी बेलेस्टन जो है वो टॉम को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाती है उसको पसंद करने लगती है और वो चाहती है कि टॉम उसका एक लवर के जैसे रहे और वो पूरी कोशिश करती है कि टॉम और सोफ़िया मिल ना पाए लेकिन जब टॉम को थोड़ा सा चांस मिलता है अपॉर्चुनिटी मिलता है वो सोफ़िया से जाके माफ़ी मांगता है और सोफ़िया उसे माफ़ भी कर देती है लेकिन अभी भी ये लोग दोनों शादी नहीं कर पाते जब सोफिया और टॉम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो लेडी बेलेस्टन दोनों को देख लेती है और सस्पिशियस हो जाती है और वहाँ पे वो प्लान करती है कि सोफिया की शादी जो है एक लॉर्ड फलामा नाम के आदमी से हो जाए तो इस लॉर्ड फलामा को ये सजेस्ट करती है कि सोफिया तुमसे ऐसे शादी नहीं करेगी तुम्हें उसे किडनैप करके उसका रेप करना पड़ेगा ताकि उसके पास कोई ऑप्शन ना बचे और तुमसे वो शादी कर ले तो इससे पहले अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते सोफिया के फादर स्क्वायर वेस्टर्न वहां पे पहुंच जाते हैं और सोफिया को लेके वहां से चले जाते हैं अब फिर से स्क्वायर वेस्टर्न सोफिया को फोर्स करता है इंसिस्ट करता है कि वो ब्लीफिल से शादी कर ले अब दूसरी तरफ ले। लेडी बेलेटन टॉम को लेके बहुत ज्यादा ऑप्सेस्ड हो रही है वो चाहती है कि टॉम किसी और को ना मिले बस उसे मिले फिर वो लॉर्ड फलमर के साथ मिलके टॉम की किडनैपिंग प्लान करती है और उसी वक्त ऐसा कुछ होता है कि टॉम जो है मिस्टर फिट्स पैट्रिक के सामने आता है फिट्स पैट्रिक वही होता है जिसे गलत फहमी हो जाती है कि टॉम उसके वाइफ के साथ है तो ये दोनों का फिर से लड़ाई शुरू हो जाता है फिर से लोग फाइट करने लगते हैं और गलती से टॉम से मिस्टर फिट्स पैट्रिक को लग जाता है और इस वजह से टॉम को जेल जाना पड़ता है अब जेल में उससे मिलने पहले मिसिस वाटर आती है कुछ देर उससे बात करती है फिर वो वहाँ से चली जाती है और और इसके बाद मिस्टर फिट्स पैट्रिक की वाइफ मिसेस फिट्स पैट्रिक आती है और वो पुलिस को बताती है कि इसमें टॉम की कोई गलती नहीं है इनफैक्ट जो भी फाइट की जो शुरुआत हुई है वो उसके हस्बैंड ने किया उसके हस्बैंड ने ही इनिशिएट किया था और उसका हस्बैंड रिकवर कर रहा है और जल्दी ठीक हो जाएगा फिर मिसेस फिट्स पैट्रिक ने केस को वापस लिया और टॉम रिलीज हो गया फिर वहीं पे मिस्टर पाटरी जाता है टॉम से मिलने लेकिन वो रास्ते में मिसेस वाटर को देखता है और उसे वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये कोई और नहीं जेनी जोन्स है और ये बात जाकर वो टॉम को बताता है कि तुम किसी और के साथ नहीं सोए बल्कि अपनी खुद की मदर के साथ क्योंकि मिसिस वाटर कोई और नहीं जेनी जोन्स है अब ये सब सुन के टॉम को बहुत बुरा लगता है बहुत ही डिस्गस्टेड फील करता है वो और उसी वक्त अलवर्दी और ब्लिफिल भी लंदन पहुँचते हैं टॉम का वर्डिक सुनने के लिए फिर पैट्रिक जाके ऑलवर्दी को सब कुछ बताता है जो भी कुछ वहाँ पे हुआ था कि टॉम की कोई गलती नहीं है ये सब चीज़ें उसको एक्सप्लेन करता है और मिसिस वाटर भी वहाँ पर आ जाती है वो भी ऑलवर्दी को ये बताती है कि टॉम उसका बेटा नहीं बल्कि उसकी सिस्टर ब्रिजिट का बेटा है वो कहती है कि ब्रिजिट सब कुछ बताने वाली थी लेकिन जब देखती है कि ऑलवर्दी बिना कुछ जाने ही उसे एक्सेप्ट कर रहा है टॉम का केयर कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है तो इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया और जैनी के साथ मिलके इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दिया फिर वो आगे बताती है कि ब्रिजिट मरने से पहले ये बात तुमको बताना चाहती थी एक लेटर के थ्रू लेकिन ब्लीफिल ने वो लेटर तुम तक पहुँचने ही नहीं दिया अब ये सारी बात सुन के अलवदी ने ब्लीफील को डिसोन कर दिया मतलब उसने जो भी प्रॉपर्टी उसको दिया था उससे वो हटा दिया अब उसके प्रॉपर्टी का सोल ओनर सिर्फ सिर्फ टॉम है अब टॉम सोफिया से माफ़ी मांगता है सोफिया उसको माफ़ भी कर देती है और अब स्क्वायर वेस्टर्न को टॉम और सोफ़िया की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके क्योंकि अलवदी का प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो टॉम है फिर इन दोनों की शादी हो जाती है तो फ्रेंड समरी में बस इतना ही आप समरी के डिस्क्रिप्शन को नोट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं अगर कोई ऐसा रेलेवेंट क्वेश्चन आता है तो आप ये डिस्क्रिप्शन को यूज कर सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉम जोन्स इज द स्टोरी ऑफ मैंस जर्नी फ्रॉम इनोसेंस थ्रू एक्सपीरियंस टू विजडम विच इवेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट बेस्ट इलस्ट्रेट दिस तो ये क्वेश्चन किस बारे में है कैरेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में है उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में हो सकता है मॉरल डेवलपमेंट के बारे में हो सकता है तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं लाइक डिस्कस टॉम जोन एज अ बिल्डिंग्स रोमन नॉवल तो जैसे मैंने पहले बताया कि बिल्डिंग्स रोमन का क्या मतलब होता है कैरेक्टर जो प्रगनिस्ट है उसका कैरेक्टर का डेवलपमेंट उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट उसकी सोच का डेवलपमेंट वो मैच्योर कैसे हुआ ये सारी बातें तो कैरेक्टर के डेवलपमेंट से रिलेटेड मतलब टॉम जोन्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये आंसर लिख सकते हैं तो ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन है इसे भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है आप इसे एक बार पढ़ लेना तो हमारे आंसर का कंटेंट क्या होगा हमें टॉम जोन्स के चाइल्डहुड से लेके एडल्टुड तक का जर्नी बताना है जब वो छोटा था उसका बिहेवियर कैसा था उसका सोच कैसा था फिर उसने लाइफ में क्या क्या चीज़ें देखा उसकी जर्नी कैसी रही उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा और उस एक्सपीरियंस से उसने क्या सीखा ये सारी बात हमको इसमें डिस्कस करना है नो लेट स्टार्ट विद द मेन बॉडी ऑफ दिस आंसर द आइडिया दैट टॉम जोन्स इज़ अ स्टोरी ऑफ मैंस जर्नी फ्रॉम इनोसेंस ट्रू एक्सपीरियंस टू विजडम is well supported by several key events and developments in the novel means there are several events which shows the journey of tom jones from his childhood to adulthood here are some events from the text that illustrate this progression at the beginning of the story tom jones is portrayed as a young man full of energy and enthusiasm but lacking वर्ल्डली एक्सपीरियंस मतलब एनर्जी से तो भरा है एक्साइटमेंट से तो भरा हुआ है लेकिन उसे वर्ल्डली एक्सपीरियंस नहीं है उसे नहीं पता कि समाज में सोसाइटी में लोग रहते कैसे हैं उनकी क्या सोच है वो सबको अपने जैसे ही समझता था this innocence is evident in his impulsive actions such as his romantic pursuit of sofia without understanding the social and class barriers that separate them तो जब वो सोफिया से प्यार करने लगा उसको चाहने लगा तो यहां पे टॉम का innocence बताया गया क्योंकि उसे नहीं पता कि भले ही दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन इतना काफी नहीं है इनके बीच में क्या था क्लास बैरियर था सोशल बैरियर था

फोर्सिंग हिम टू कंफ्रंट दिज इम्पलियर तो जो इसका राउडी वाला नेचर था उसके वजह से जो इसको झेलना पड़ा फेस करना पड़ा बिहाइंड सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ हिस्स चाइल्डहुड होम एंड मेक हिज ओन वे इन द वर्ल्ड विच लिड्स हिम टू अज ऑफ एडवेंचर एंड मिस एडवेंचर एंड इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस फॉर टॉम इज हिज रिलेशनशिप विद सोफिया वेस्टर्न Through his love for Sophia, Tom learns about the complexities of human relationship and the importance of honesty, loyalty, and trust. However, his relationship with Sophia is also fraught with misunderstandings and obstacles which ultimately lead him to question his own desires and priorities. As Tom faces the consequences of his actions and mistakes, he gradually matures morally.

Multifaceted one, shaped by a range of experiences and encounters. Through his trials and tribulations, Tom gains self awareness, responsibility, and empathy, ultimately becoming a wiser and more mature person. Finally, Tom's journey also involves a deeper understanding of the social and cultural norms of his time. He learns about the complexities of class, gender, and power dynamics and becomes more adept at navigating the social world of 18th century England. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही मैं ट्राई करूँगी इस नॉवल पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के मैं वीडियो बनाऊँ तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बाय